हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंजलि और आज की इस एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास में मैं आपको ब्लेंड टूल के बारे में बताऊंगी। ब्लेंड टूल करता क्या है? ब्लेंड टूल किसी भी शेप को या लाइन या टेक्स्ट को ब्लेंड करता है आपस में। तो इसको हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर रही हूँ। कोई भी आप शेप ले लीजिए। मैं यहाँ पर स्टार शेप ले रही हूँ और इसमें हम सॉलिड कलर फिल कर देंगे। और दूसरी तरफ हम यहाँ पर एक सर्कल ले लेंगे। इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं और इस तरीके से मैं यहाँ पे इसे रख रही हूँ। और इसका कलर हम चेंज कर देंगे ताकि हमें डिफरेंस दिखे कि इन दोनों में क्या ब्लेंड हो रहा है। ब्लेंड करने के लिए आपको अपना दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको यहाँ से ब्लेंड टूल सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर एक क्लिक करना है और एक यहाँ पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे ये आपस में इस तरीके से ब्लेंड हो चुकी है। ब्लेंड टूल के पास अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक ब्लेंड ऑप्शन खुलेगा। और अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो ये स्मूथ कलर फिल है। यहाँ पे ये एक तरीके से हमारा ग्रेडियंट फिल हो गया है। जैसे हमारे शेप में हम ग्रेडियंट फिल करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे एक ग्रेडियंट फिल हो चुका है। तो इसे हमें यहाँ से चेंज करके स्पेसिफाइड स्टेप्स पे सेलेक्ट करना है और यहाँ से हम अपना कोई भी स्टेप दे सकते हैं। लेट सपोज हम यहाँ पे 6 ऐड करते हैं और मेक श्योर कि आपका यहाँ से प्रीव्यू ऑन हो। जैसे ही मैंने यहाँ से प्रीव्यू ऑन किया तो आप यहाँ पे देखेंगे, आप अगर इसे काउंट करेंगे तो ये वाले जो स्टेप्स हैं वो हमारे 6 स्टेप्स हैं। यहाँ से आप इसे ओके कर दें। और अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये स्टार से हमें सर्कल तक का स्टेप दिखा रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे 6 स्टेप्स ऐड किए थे। और आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इसे डबल क्लिक करके सेलेक्ट करेंगे ये सेलेक्ट हो जाएगा और कलर चेंज करते ही ये ओवरऑल इसका कलर चेंज कर देगा। तो इस टूल की हेल्प से आप इजीली किसी भी शेप को आपस में ब्लेंड कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और शेप क्रिएट कर रही हूँ। इस बार हम दोनों स्टार कॉपी करेंगे और इसका कलर चेंज करके इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे। और इस बार मैं इसे थोड़ा सा और छोटा कर रही हूँ और दोनों सेलेक्ट करेंगे हम यहाँ से और ब्लेंड टूल की हेल्प से इसे ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करने के बाद आप इसकी सेटिंग में आ जाए, डबल क्लिक करके यहाँ पे आ जाए और यहाँ से आप स्पेसिफिक अपना कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लेंड हो गया है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग नंबर ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 भी ऐड कर सकते हैं और जितना भी चाहेंगे आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे तो ये उसी के अकॉर्डिंग इसको ब्लेंड करता जाएगा। इसको ओके करने के बाद आप यहाँ पे अपनी शेप को एडिट भी कर सकते हैं और इसको मूव भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप चाहें तो कहीं भी इसको ईजिली मूव कर सकते हैं। आपको क्या करना है, अपना यहाँ से आपको डायरेक्ट सेलेक्शन टूल लेना है और इस पॉइंट को सेलेक्ट करके आप इजीली इसे मूव कर सकते हैं। ब्लेंड वाला सेम ऑप्शन आपको ऑब्जेक्ट में भी मिल जाएगा। आपको जाना है ऑब्जेक्ट में एंड देन ब्लेंड में और यहाँ पे आपको मेक का ऑप्शन है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पॉलीगन टूल से एक शेप ड्रॉ कर रही हूँ और इसमें हम सिर्फ आउटलाइन ही फिल करेंगे। आउटलाइन के लिए मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर रही हूँ। इसमें हम डार्क ब्लू ले लेते हैं और इसकी आउटलाइन को थोड़ा सा बढ़ा देंगे। और इसकी डायरेक्शन को मैं चेंज कर रही हूँ। सेम हम इसका एक और डुप्लीकेट ले लेंगे। कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ़ करेंगे तो आप सेम स्पेस पे ये कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद आप इसे छोटा कर लें। छोटा करने के बाद इसकी डायरेक्शन को भी हम चेंज कर लेंगे इस तरीके से और इसका कलर भी चेंज कर लेंगे हम यहाँ पे। और इसका कलर यहाँ पे मैंने लाइट पिक किया है और इसमें भी हम 2 पिक्सल कर देंगे। और थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ मैं यहाँ पर। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है ऑब्जेक्ट में एंड देन ब्लेंड में और यहाँ से आप इस पर मेक कर सकते हैं। जैसे ही आप मेक करेंगे और ये क्या करेगा, ब्लेंड हो जाएगा। और ब्लेंड होने के बाद आप इसकी सेटिंग में जा सकते हैं। ब्लेंड ऑप्शन में जाएंगे, इसकी सेटिंग आ जाएगी और यहाँ से स्टेप्स पे क्लिक कर लें। और अभी ये बहुत ज़्यादा स्टेप्स हैं तो इसको हम कम कर लेते हैं। अभी आप देखेंगे यहाँ पे 50 है, 50 भी बहुत ज़्यादा है।
इसको हम कम करके ब्लेंड करेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके की एक शेप क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पे हमारा 10 स्टेप्स हैं और आप चाहें तो इसको अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए आप उतना कर लें। हम इसे 18 पे रखेंगे और ओके कर देंगे। तो इस तरीके की शेप आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसका कलर और एंगल अगर बाद में चेंज करना चाहें तो आप वो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कलर के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपकी शेप बनी हुई है, आपको बस यहाँ पे डबल क्लिक करना है। आप इस शेप के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस लेयर के अंदर आ चुके हैं आप, और इसका हम यहाँ से कलर चेंज कर देंगे और सेम हम इस पर भी सेलेक्ट करके इसको भी कलर चेंज कर देंगे इसका। ओके करके यहाँ से आप बाहर आ जाएं तो आप इजीली इसका कलर चेंज कर पाएंगे। एक चीज़ और कर सकते हैं आप, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से शेप को पकड़ के आप मूव भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट ड्रैग कर रही हूँ इस तरीके से। आप सेंटर पॉइंट पकड़ के इस तरीके से ड्रैग करेंगे तो ये इस तरीके से स्ट्रेच होता जाएगा और इसकी हेल्प से आप इजीली शेप को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करेंगे इस तरीके से और इसमें मैं कलर फिल कर रही हूँ। सेम हम एक और सर्कल लेंगे, और इसका कलर भी चेंज कर लेंगे। और इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ब्लेंड करने के लिए और सेंटर अलाइन करके मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। अगेन आप यहाँ से ब्लेंड टूल ले और इस तरीके से ब्लेंड कर लें और यहाँ से हम इसे स्टेप्स दे देंगे कि आपको कितने चाहिए स्टेप्स में। ट्वेंटी फाइव भी बहुत ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे 18 कर रही हूँ और इसे ओके कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक पेन टूल की हेल्प से शेप क्रिएट करेंगे। आप कोई भी शेप क्रिएट कर ले, मैं पेन टूल की हेल्प से नहीं, कर्वेचर पेन टूल की हेल्प से एक शेप क्रिएट कर रही हूँ यहाँ पे। इस तरीके से एक आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारी लाइन है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ पे और दोनों शेप को आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आप जाएंगे ऑब्जेक्ट में, ब्लेंड में एंड देन रीप्लेस स्पाइन। जैसे आप रीप्लेस स्पाइन करेंगे ये क्या करेगा, उसी लाइन के साथ साथ उसी में ड्रॉ हो जाएगा और यहाँ से आप डबल क्लिक करके अगेन आप इसका स्टेप्स चेंज कर सकते हैं। आपको जितना ज़्यादा स्टेप्स चाहिए आप यहाँ से ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ से इसका एंगल भी चेंज कर ले, हमने जो ड्रॉ किया था पेन टूल की हेल्प से आप इसको भी इजीली मूव कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ये छोटा वाला सर्कल है वो यहाँ से स्टार्ट हो और ये जो बड़ा वाला है वो यहाँ से स्टार्ट हो, तो उसके लिए आपको जाना है ऑब्जेक्ट में एंड देन ब्लेंड में और यहाँ से आपको करना है रिवर्स स्पाइन। जैसे आप रिवर्स करेंगे ये क्या करेगा, इसको रिवर्स कर देगा। और ये अभी मैंने एक लाइन क्रिएट किया था उसके साथ हमने ब्लेंड किया है इसे और अब हम इसे टेक्स्ट के साथ भी देखेंगे कि टेक्स्ट में ये कैसे ब्लेंड होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ए टाइप कर रही हूँ, इसका फॉर्म चेंज कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है बोल्ड और इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे। साथ ही साथ मैं इसका कलर भी चेंज कर रही हूँ, इसको हम थोड़ा सा डार्क कलर लेंगे और सेम इसका कॉपी करेंगे कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, तो ये कॉपी हो जाएगा सेम स्पेस पे। और इसका कलर हम थोड़ा सा लाइट पिक कर लेंगे। लाइट पिक करने के बाद इसको हम इस वाले फॉन्ट के पीछे लेके जाएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, अरेंज में जाना है और सेंड टू बैक पे करना है। दोनों को सेलेक्ट करके आपको ऑब्जेक्ट में जाना है देन मेक पे क्लिक करेंगे। तो अभी आप देखेंगे ये क्या ब्लेंड हो चुका है बिल्कुल, और इसको हम एडिट भी कर लेंगे। स्टेप्स में जाएंगे तो अभी मैं इसे 20 पे रख रही हूँ। यहाँ से आपको स्टेप्स दिख रहा होगा, इसे हम कम कर लेते हैं थोड़ा।
तो इसे मैं रख रही हूँ यहाँ पे 6 पे और ओके कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से ब्लेंड हो चुका है, और इसे आप चाहें तो आप इजीली मूव कर सकते हैं। आप जहाँ पे भी मूव करेंगे ये ब्लेंड होता हुआ उसी तरीके से चेंज होता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। और आप चाहें तो इसे एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने के लिए आप इसे डबल क्लिक कर लें। डबल क्लिक करते ही आप जो भी टाइप करेंगे ये वही टाइप हो जाएगा और उसी में ये ब्लेंड हो जाएगा। अभी आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे बी प्रेस किया है और ये ऊपर वाला एडिट हुआ है, नीचे वाला नहीं। नीचे वाला एडिट करने के लिए भी आपको डबल क्लिक करना है और इस तरीके से बी प्रेस कर दें तो ये एडिट हो जाएगा। और इस टूल की हेल्प से आप इजीली कोई भी टेक्स्ट को ब्लेंड कर सकते हैं, और इसका कलर चेंज करना चाहे तो आप वो भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये उसी के अकॉर्डिंग ही आपका ब्लेंड होता हुआ कलर भी दिख जाएगा आपको। तो इसके बाद हम यहाँ पे एक डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्टार ले रही हूँ और सेम हम इसमें आउटलाइन कलर फिल करेंगे। और इसका डुप्लीकेट लेकर और इसे छोटा कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पे मैंने छोटा कर दिया है और ऑब्जेक्ट में जाके आपको करना है ब्लेंड, और यहाँ से आप स्टेप्स में जाएंगे और इसे अपने अकॉर्डिंग सेट कर लें। इसे हम रखते हैं 20 पे और इस तरीके से आप कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। और किसी भी शेप को आपको ब्लेंड करना है तो आप इस तरीके से इजीली कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पे कुछ लाइंस क्रिएट कर रही हूँ कर्वेचर पेन टूल की हेल्प से, और हम उसको भी ब्लेंड करेंगे। यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन क्रिएट कर ली है, सेम हम इसकी हेल्प से एक और लाइन क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने दो लाइन क्रिएट किया है और इसका कलर भी चेंज कर लेंगे हम, साथ ही साथ इसे ब्लेंड भी कर लेंगे यहाँ से, और इसका स्टेप्स को भी ओपन करके इसे चेंज कर लेंगे। तो इसकी हेल्प से आप इस तरीके के भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। आपने इस तरीके के शेप भी देखी होगी, और बाद में अगर आप चेंज करना चाहें तो आप इजीली इसके पॉइंट्स को पकड़ के ड्रैग कर लें और ये चेंज हो जाएगा। और इसे भी हम कॉर्नर पे लेकर आ जाते हैं। आपको यहाँ से अगर शेप चेंज करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हैंडल्स भी मिलेंगे क्योंकि आपने ये पेन टूल की हेल्प से क्रिएट किया था। आप देखेंगे तो इस तरीके से आप बैकग्राउंड भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर फिल कर देंगे। तो इसकी हेल्प से आप इजीली कोई बैकग्राउंड भी क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट मैं आपको एक चीज़ और क्रिएट करके इसमें बताना चाहती हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे हम इस तरीके से एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे और इसका भी हम कॉपी लेके इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे इस तरीके के एंगल से। दोनों सेलेक्ट करेंगे, पहले हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। दोनों सेलेक्ट करेंगे और इसे भी हम ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड ऑप्शन में जाके इसका स्टेप्स भी हम चेंज कर लेंगे।
और ओके कर देंगे। तो इसकी हेल्प से भी आप इजीली इस टाइप के शेप को क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई भी यहाँ से शेप क्रिएट करके ही उसको ब्लेंड कर सकते हैं, आप अपना कोई भी पेन टूल की हेल्प से भी ड्रॉ करके इजीली आप उसे ब्लेंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको रफली एक शेप ड्रॉ करके दिखा रही हूँ, जिसको हम ब्लेंड करेंगे। ये कुछ इस तरीके की एक शेप क्रिएट की है मैंने, और सेम इसका हम डुप्लीकेट ले लेंगे और इसको छोटा कर देंगे। आपको अगर अंदर की ओर ब्लेंड करना है तो मेक श्योर कि आपने जो शेप क्रिएट की है वो एक यहाँ होनी चाहिए और एक छोटा करके आप अंदर की ओर रख दें, और अगर बाहर की ओर करना है तो आप इस तरीके से बड़ा करके बाहर की ओर रखें। तो इसको हम सेलेक्ट करके ब्लेंड कर लेंगे और यहाँ से आप इसके स्टेप्स को चेंज कर दें तो आप इजीली यहाँ पे ऐसा शेप क्रिएट कर पाएंगे। और हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। कुछ इस तरीके से। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।